सब्सक्राइब कीजिए जीके महात्मा जी को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के। तो आ गए आप, कैसे हो? स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हो फटाफट जीके क्विज नंबर 81। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 या इससे बहुत क्वेश्चन ठीक होंगे तो आप आएंगे ए कैटेगरी में, 10 और 15 के बीच आएंगे बी कैटेगरी में, 10 से नीचे आप आएंगे सी कैटेगरी में। जितने भी सही जवाब होते हैं ईमानदारी के साथ काउंट करके आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी मैक्सिमम नंबर लेगा उसका अलाउंस हम नेक्स्ट वीडियो की क्विज में जरूर कर देंगे। पहला क्वेश्चन, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या इसके कार्यकाल में की गई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना मेयो के समय में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? ऑप्शन डी, केनिंग। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ लॉर्ड केनिंग ने किया था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत केनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपए से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर निश्चित किया गया। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में वर्ष 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक की दरबार में घोषणा की गई। दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होने की घोषणा की गई। नेक्स्ट, पोलो या चोगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चोगान खेलते हुए, यानी कि आधुनिक का खेल जो कि पोलो खेल है, वो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के दौरान 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ऑप्शन सी, अरब। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिला है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रामाणिक स्रोत है। इसमें यह वर्णन मिला है कि सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। क्या बात है भाई। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन डी, 12। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, वे राज्यसभा में नामित हो सकते हैं। इतने खुश मत हो, आपका और हमारा नंबर नहीं है इनमें। नेक्स्ट, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी, पूंजी बिल, यानी कि धन विधेयक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, परंतु राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, उसके बाद नहीं रोक सकती। नेक्स्ट, भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे जिनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 10 दिसंबर 1958 तक था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप।
भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पुंडिचेरी का क्षेत्रफल 479 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, शिव थापा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए, बॉक्सिंग। शिव थापा ने 2016 रियो ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था और इन्हें वर्ष 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? ऑप्शन डी, कबड्डी। सबसे कम समय का गेम कबड्डी है। यह खेल 20-20 मिनट के हिस्से में खेला जाता है, जबकि हॉकी का खेल 35-35 मिनट के हिस्से में खेला जाता है और फुटबॉल का खेल 45-45 मिनट के दो हिस्सों में खेला जाता है। भाइयों बहनों, वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है। नेक्स्ट, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से नीचे स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना। कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। नेक्स्ट, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है, जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी, विद्युत। बिल्कुल सही जवाब दिया। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। यह एक ताप विद्युत कंपनी है। वर्तमान में यह महारत्नों की श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भास्कराचार्य प्रथम खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लगने वाले समय की गणना की थी। नेक्स्ट, गोवा की चर्चों और कॉन्वेंट्स को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन सी, पुर्तगाली। गोवा पहले पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। के चर्चों और कॉन्वेंटों को पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन डी, मुंबई। काला घोड़ा कला उत्सव का प्रारंभ वर्ष 1999 में मुंबई में किया गया था। 9 दिन तक चलने वाला यह उत्सव फरवरी माह के प्रथम शनिवार से प्रारंभ होकर अगले रविवार को समाप्त होता है। फुल एंजॉय किया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो आई बटन आपको नजर आ रहा है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में वो डिस्प्ले पे शो होंगी, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। और साथ में इस ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज और साइंस टेस्ट सीरीज भी चली हुई है, वहां पर भी आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन डी, राजस्थान। बड़ी प्यारी बोली होती है, बाया में तारो नाम पूछू छू। पुष्कर राजस्थान में स्थित है। यहां प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, एज यू लाइक इट नामक किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन बी, विलियम शेक्सपियर। इस पुस्तक को पहली बार 1623 में प्रकाशित किया गया, काफी फेमस पुस्तक है। यह पुस्तक पेस्टोरल कॉमेडी पर आधारित है। नेक्स्ट, भारत का चौथा INS जहां एकीकृत वायुसेना मौसम विज्ञान प्रणाली स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए, INS गुरुड। तो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ चटपटी, कुल मिला के हमारी मिक्स वेज रेडी है। और आपके कितने सही जवाब हुए कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अभी आपको मिलेगा चैलेंज।
आपको क्वेश्चन मिलता है चैलेंज के तौर पर। वह विश्वविद्यालय जहां भारत का प्रथम मौखिक सांस्कृतिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन मिल रहे हैं, सही जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। जो भी फर्स्ट 3 कैंडिडेट इसका सही जवाब देंगे, सबसे पहले देंगे, उसका अनाउंस हम नेक्स्ट वीडियो की क्विज में जरूर कर देंगे। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो आप हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।